हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल यूजेस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, ये सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के जो बेसिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये उस सीरीज का थर्ड लेक्चर है जो आज आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले हम दो लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, लेक्चर वन, लेक्चर टू, एंड दिस इज द लेक्चर थ्री। इन लेक्चर्स में हम सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के जो कॉमन बेसिक इंपॉर्टेंट यूजेस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए, अभी तक जैसा कि हमने सब्जेक्ट और एग्रीमेंट कार में पढ़ा है, तो हमने ये जाना कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो नाउन्स या प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, या ऐसे फ्रेजेस या ऐसी मतलब नाउन इक्विवेलेंट्स होते हैं, जो मतलब नाउन का मतलब होता है अ रेफरेंस टू समवन और समथिंग। तो जब हम समवन या समथिंग को रेफर करते हैं तो वही नाउन होता है, उसी को हम सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, या उसकी जगह किसी दूसरे वर्ड को जो कि उसका प्रोनाउन होता है उसे यूज कर सकते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि सम टाइम वी कैन यूज एडजेक्टिव्स आल्सो एज सब्जेक्ट। तो ये कौन सी कंडीशन में एडजेक्टिव्स यूज हो सकते हैं वो यहां से समझना। व्हेन एडजेक्टिव्स प्रिसीडेड बाय द रेफर टू, इसको एडजेक्टिव्स लिखना आप। ठीक है, व्हेन एडजेक्टिव्स प्रिसीडेड बाय द रेफर टू द क्लास ऑफ पीपल यूज प्लुरल वर्ब्स। देखिए होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पे हमने लिखा गुड, एन एडजेक्टिव, ब्रेव एन एडजेक्टिव, कवर्ड एन एडजेक्टिव, नीडी एन एडजेक्टिव, ऑनेस्ट एन एडजेक्टिव, ओके, एडुकेटेड लिख सकते हैं आप। ठीक है, और ब्लाइंड लिख सकते हैं आप, पुअर लिख सकते हैं आप, रिच लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो अभी ध्यान से समझना, ऑल दीज वर्ड्स वी हैव रिटन हियर, गुड, ब्रेव, कवर्ड, नीडी। एक मिनट, कवर्ड एडजेक्टिव नहीं होता, नाउन होता है, तो मैं इसकी जगह कवर्डली लिख देता हूं। ठीक है, कवर्डली, नीडी, ऑनेस्ट, ब्लाइंड, रिच, डम, डेफ, स्ट्रॉन्ग, वीक, मतलब इस तरीके के और भी वर्ड्स। अब ये जो वर्ड्स हमने लिखे हैं, गुड है, ब्रेव है, कवर्डली है, नीडी है, ऑनेस्ट है, ब्लाइंड है, रिच है, दीज वर्ड्स आर नॉट रेफरिंग टू समवन और समथिंग। ये किसी समवन या समथिंग का रेफरेंस वर्ड नहीं है, ये उनका डिस्क्रिप्शन है। सपोज देयर इज समवन हु नीड्स समथिंग, तो हमने उसके लिए टर्म यूज कर लिया नीडी। बट नीडी इज नॉट रेफरिंग टू द पर्सन, नीडी इज रेफरिंग टू द स्टेट ऑफ द पर्सन, हेंस इट इज एन एडजेक्टिव। उसी तरीके से सपोज कोई पर्सन है, देख नहीं सकता, ठीक है, तो हम उसको रेफर कर देंगे ब्लाइंड। बट ब्लाइंड इज नॉट एक्चुअली द रेफरेंस ऑफ द पर्सन, ब्लाइंड इज रेफरिंग टू द इज अ रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो ऐसे वर्ड जो किसी समथिंग या समवन को नहीं रेफर करते हैं, बल्कि उसकी क्वालिटीज को या उसकी स्टेट्स को डिस्क्राइब करते हैं, इन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो ऑल दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स, ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं। होता क्या, ये नाउन का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने नाउन में पढ़ा होगा या पहले से भी जानते होंगे। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि ऐसे एडजेक्टिव्स जो ह्यूमन क्वालिटीज को या ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जैसे ब्रेव होना एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है, ठीक है, कवर्ड होना भी एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है, कवर्डली होना, ठीक है, रिच होना भी एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो ह्यूमन की डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को या उनकी कैटेगरीज को रेफर करते हैं, जब हम उनके साथ में द आर्टिकल लिख कर यूज करते हैं, जैसे हम यहाँ पे द गुड लिख दें, ठीक है, द ब्रेव लिख दें, या द कवर्डली लिख दें, द नीडी लिख दें, द ऑनेस्ट लिख दें, द ब्लाइंड लिख दें, द रिच लिख दें, द पुअर लिख दें, द वीक लिख दें, द स्ट्रांग लिख दें, द एजुकेटेड लिख दें, द ओल्ड लिख दें, द यंग लिख दें, मतलब इस तरीके से कुछ भी लिख दें, तो ये जो होता है ना, ये रेफरेंस टू क्लास बन जाता है। अब ये नाउन हो गया, द गुड इज अ रेफरेंस टू द क्लास ऑफ पीपल हु आर गुड। ठीक है, तो अब हम इसे कहेंगे नाउन, ये कॉमन नाउन है और इसका नंबर प्लुरल है, ये ध्यान रखना है। तो ये छोटी सी बात आप लोग पहले से जानते होंगे, नहीं जानते होंगे ध्यान रखेंगे। जैसे हमने ब्रेव लिखा, ब्रेव इज एन एडजेक्टिव, ठीक है, लेकिन जब हम द ब्रेव लिखेंगे एज अ नाउन, तो द ब्रेव का मतलब हो जाएगा द पीपल, द क्लास ऑफ पीपल हु आर ब्रेव। ठीक है, उसी तरीके से द कवर्डली का मतलब क्या हो जाएगा, द क्लास ऑफ पीपल हु आर कवर्डली। अच्छा, द नीडी का मतलब क्या हो जाएगा, द क्लास ऑफ पीपल हु आर नीडी। तो एडजेक्टिव्स के साथ में द आर्टिकल लिखकर यूज करते हैं उन्हें एज नाउन, तो वो उस क्लास के सारे इंडिविजुअल्स को रेफर करते हैं जिस क्लास के लिए उस एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है। तो ऐसी कंडीशन में हमें इनके साथ में वर्ब हमेशा लिखनी चाहिए प्लुरल। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखिए समझना। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, The poor has to face lots of challenges. ठीक है, The poor has to face lots of challenges. और एक मैंने और लिखा,
द पुअर मैन हैज टू फेस लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। नाउ सी, अब देखना यहां पे ध्यान से, ये जो हमने पुअर लिखा ना, ये एक एडजेक्टिव है, ये जो पुअर लिखा ये भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन इस एडजेक्टिव के साथ हमने कोई नाउन नहीं लिखा और इसको इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट यूज कर रखा है, ठीक है। तो जो द पुअर है ना, ये हमारा प्लुरल नाउन हो गया, मतलब ये द जो हमने पुअर लिखा है ये एक कॉमन नाउन है प्लुरल नंबर का, और इसका मतलब है ऑल दोज हु आर, मतलब पुअर क्लास के ऑल पीपल इन जनरल, तो इसका मतलब हो गया पुअर पीपल इन जनरल। अब हमें इसके साथ में वर्ब प्लुरल लिखनी चाहिए हैव, तो हमें इसको ऐसे लिखना चाहिए द पुअर हैव टू फेस लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, कि गरीबों को बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, यहां आते हैं, यहां भी हमने द पुअर लिखा है तो यहां भी हमें हैव लिख देना चाहिए, लेकिन एक ध्यान देना है, यहां पर हमने द पुअर के साथ में ना एक नाउन भी लिखा है मैन, द पुअर मैन। अब एक चीज ध्यान देना, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये द आर्टिकल है। जब हम कभी नाउन यूज करते हैं तो डिटर्मिनर हमेशा नाउन को रेफर करते हैं, तो इसका मतलब ये जो द हम यूज कर रहे हैं ना बच्चे, ये मैन के लिए यूज हो रहा है, पुअर के लिए नहीं यूज हो रहा। तो इसका मतलब समझना, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सम डेफिनेट मैन, हम किसी एक डेफिनेट पर्टिकुलर मैन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पुअर है, ठीक है। लेकिन यहां पे बात हम किसी एक डेफिनेट या पर्टिकुलर मैन की नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं जनरल पुअर पीपल की। द पुअर का मतलब हो गया जनरल पुअर पीपल, द पुअर मैन का मतलब हो गया सम डेफिनेट पुअर मैन, कोई डेफिनेट पुअर मैन। तो ये जो द पुअर मैन हमने लिखा ना, ये एक डेफिनेट पुअर मैन को रेफर किया जा रहा है, तो हम मैन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे हैव, सॉरी मतलब हैज तो सही लिखा था तो मैंने गलती मिटा दी। एक काम करता हूँ, मैं इसको फिर से हैव लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर है क्या, ये जो हमने हैज लिखा ना ये सही है, ये वाला गलत था। ये हैज इसलिए गलत था क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट है द पुअर, और द पुअर का मतलब है पुअर पीपल इन जनरल, ठीक है। ये किसी पर्टिकुलर पुअर मैन को रेफर नहीं कर रहा, लेकिन जब हम द पुअर मैन लिखेंगे ये रेफर करेगा एक पर्टिकुलर डेफिनेट पुअर मैन को, तो हमें उस डेफिनेट पुअर मैन के नंबर सिंगुलर है चूंकि वो, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी, तो हैज आ जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान देना है कि जब हम कभी किसी एडजेक्टिव के साथ में द आर्टिकल लिखकर, अब ध्यान देना, ऐसे एडजेक्टिव जो ह्यूमन क्वालिटीज को, ह्यूमन फीचर्स को, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब करते हैं, उनके लिए बात कही जा रही है। तो जब हम कोई ऐसा एडजेक्टिव जो किसी ह्यूमन फीचर या ह्यूमन एट्रीब्यूट या ह्यूमन क्वालिटी को रेफर करता है, उसके साथ में द आर्टिकल लिखकर उसे एज अ सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तो वो उस कैटेगरी के जनरल पीपल को रेफर करता है, उसका नंबर प्लुरल होता है और उसके साथ में आपको वर्ब प्लुरल लिखनी है, ठीक है। अब यहां देखिए, हमने लिखा द ब्लाइंड, अब ब्लाइंड इज एन एडजेक्टिव नॉट अ नाउन, तो अगर हम द ब्लाइंड लिख रहे हैं तो इसका मतलब हो गया ब्लाइंड पीपल इन जनरल, तो ये प्लुरल हो गया, और इसके साथ में वर्ब आप प्लुरल लिखे हैव। द ब्लाइंड हैव टू फेस सच हार्डशिप्स एवरी डे, तो इसका मतलब हो गया कि अंधे लोगों को इस तरीके की मुश्किलें जो है वो रोज फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ओनली द टफ इज एबल टू सर्वाइव इन सच अ हार्श क्लाइमेट एज इज देयर, ठीक है। द टफ, नाउ सी टफ इज नॉट अ नाउन, टफ इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, टफ जो वर्ड है ये भी कोई नाउन नहीं है, एक एडजेक्टिव है। तो अगर हम टफ को एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं और इसके बाद में द आर्टिकल लिख रहे हैं, तो इसका मतलब वी आर रेफरिंग टू टफ पीपल इन जनरल, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आर लिख दें। नेक्स्ट द होमलेस, अच्छा ये बात आप पहले से भी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो ध्यान रखिएगा कि जैसे कोई नाउन होता है तो नाउन में हम लेस ऐड करके उसको एडजेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, और कोई एडजेक्टिव होता है उसमें हम नेस ऐड करके उसको नाउन बनाते हैं, मतलब ये वर्ड फॉर्मेशन के यूसेस हैं, आपका जो असेक फाउंडेशन बैच है उसमें ये सारे भी कवर होंगे। मैं एग्जांपल से बता देता हूं, शेम लेस, कैश लेस, बोन लेस, ठीक है। इस तरीके से एडजेक्टिव प्लस नेस में जैसे समझना, जैसे हमने लिखा हार्श नेस, सॉफ्ट नेस, कोल्ड नेस, ठीक है। तो कोल्ड है, हार्स है, सॉफ्ट है, एडजेक्टिव्स हैं, उनमें नेस ऐड किया तो नाउन बन गए, और ये अपशक नाउन होते हैं और ये उस क्वालिटी को रेफर करते हैं, ठीक है। जैसे हमने सॉफ्टनेस लिखा ना, तो सॉफ्टनेस इज एन अपशक नाउन विच इज रेफरिंग टू द क्वालिटी ऑफ बींग सॉफ्ट, ठीक है। अच्छा, नाउन प्लस लेस लिख देते हैं तो ये एडजेक्टिव बन जाता है और ये शो करता है कि द नाउन इज लैकिंग दिस क्वालिटी। जैसे हमने लिखा शेमलेस, तो शेमलेस मीन समवन लैक्स शेम, कि कोई ऐसा पर्सन है जिसमें शर्म नहीं है, जैसे मतलब, ठीक है। या कैशलेस, कैशलेस का मतलब विदाउट कैश, बिना कैश का, ठीक। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में लेस लिखा हुआ, देन यू कैन इजिली गैस इट इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। किसी वर्ड के लास्ट में नाउन लिखा हुआ, देन यू कैन इजिली गैस इट इज अ नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफरिंग टू सम क्वालिटी, ठीक है। तो जो हमने होमलेस लिखा ना बच्चे, ये होमलेस एक एडजेक्टिव है,
ठीक है। अच्छा, होमलेस एडजेक्टिव किसे रेफर करेगा? पीपल को। तो मतलब ये क्लास या फीचर या कैटेगरी ऑफ ह्यूमन बींग्स है। तो जब हम द होमलेस लिखेंगे एज अ सब्जेक्ट, तो द होमलेस का मतलब हो जाएगा होमलेस पीपल इन जनरल। तो होमलेस पीपल इन जनरल का मतलब ये प्लुरल नंबर हो गया। वी आर नॉट रेफरिंग टू सम डेफिनेट पर्सन, वी आर रेफरिंग टू पीपल इन जनरल, देन यूज वर्ब। तो जैसे यहाँ पे होमलेस है, टफ है, ब्लाइंड है, ये एडजेक्टिव्स हैं। अगर हम एडजेक्टिव्स के साथ में द आर्टिकल लिखकर उनको एज अ सब्जेक्ट यूज करें, तो वो जनरल पीपल को उस टाइप के रेफर करते हैं। मतलब उस जैसे टफ है एक टाइप हो गया, ब्लाइंड एक टाइप हो गया, होमलेस एक टाइप हो गया। तो इस टाइप के जनरल पीपल को रेफर करने के लिए सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, तो इनके साथ में वर्ब का, प्लुरल वर्ब का यूज करें। अच्छा, दूसरा ध्यान क्या रखना है, इन केस अगर हम इनके बाद में कोई नाउन लिख दें, ठीक है, जैसे अगर हम लिख दें यहाँ पर द होमलेस बॉय, तो फिर नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो ये बहुत सही हो जाएगा। और अगर हम लिख देंगे द होमलेस बॉयज, तो फिर वर्ब लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमने एडजेक्टिव बाद नाउन लिख रखा है, तब तो वर्ब आपको नाउन के नंबर के अकॉर्डिंग यूज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर नाउन आपने नहीं यूज कर रखा है, तो फिर वो जो एडजेक्टिव होता है वो जनरल पीपल को उस टाइप का रेफर करता है, और उसके साथ में वर्ब प्लुरल लिखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल से हमें यह समझना है कि जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, व्हेन रेफर्ड टू एज यूनिट्स टेक सिंगुलर वर्ब्स, अगर हम कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं उनको यूनिट्स के तरीके से यूज करें, तो उनके साथ में वर्ब सिंगुलर यूज होती है। देखिए मैं आपको एक दो बातें बता देता हूं। जैसे मान लीजिए फाइव पीपल हैं, एंड दीज पीपल आर अ फैमिली, ये लोग एक फैमिली है, ठीक है। तो ये फाइव पीपल की एक फैमिली हो गई। उसी तरीके से मान लीजिए फाइव या फोर और भी पीपल हैं, उनकी भी एक अपनी एक फैमिली हो गई, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए तीन या चार लोग और भी हैं, तो उनकी भी अपनी एक फैमिली हो गई, ठीक है। तो मान लेते हैं ये फैमिली हो गई ए, ये फैमिली हो गई बी, ये फैमिली हो गई सी, तो हम कहेंगे थ्री फैमिलीज। कलेक्टिव नाउन्स प्लुरल होते हैं ना, कॉमन और कलेक्टिव नाउन्स प्लुरल होते हैं, मतलब काउंटेबल होते हैं, वी कैन मेक प्लुरल ऑफ दोस, ठीक है। हम उनका प्लुरल फॉर्म बना सकते हैं। तो जैसे हमने लिखा थ्री फैमिलीज ए बी एंड सी, ठीक। इस कंडीशन में तो आपको वर्ब हमेशा प्लुरल ही लिखनी है। अगर आपने थ्री फैमिलीज लिख दिया, तो वर्ब आपको प्लुरल ही लिखनी है। लेकिन अब होता क्या है, हम मान लेते हैं कि थ्री फैमिलीज नहीं है, एक ही फैमिली है जिसमें फाइव मेंबर्स हैं। तो अब मान लेते हैं ये फैमिली हो गई, तो हम इसको फैमिलीज तो नहीं कह सकते, इसको हमें फैमिली ही कहना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगल ग्रुप है, इन इंडिविजुअल्स का सिंगल ग्रुप है, तो हम इसे फैमिली कहेंगे। लेकिन होता क्या है कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं जिनसे ये ग्रुप बना है, जिस ग्रुप को हम फैमिली कह रहे हैं, ये जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हीं को फैमिली हम कह रहे हैं। तो ये जो फैमिली कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ भी हम प्लुरल वर्ब यूज कर सकते हैं। कैसे? अगर ये जो इंडिविजुअल्स हैं जिनसे ये फैमिली मतलब ग्रुप फॉर्म हुआ है, अगर वो इंडिविजुअल्स अपने अपने तरीके से अलग अलग एक्ट करें सेपरेटली, इफ दे एक्ट इंडिविजुअली, ठीक है, तो फिर ये प्लुरल कंसिडर किए जाएंगे और हमें फैमिली नाउन के साथ में प्लुरल वर्ब लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये जो नाउन्स हैं मतलब ये जो इंडिविजुअल्स हैं जिनसे ये फैमिली ग्रुप फॉर्म हुआ है, अगर वो यूनाइटेडली एक्ट करें एक तरीके से एज अ यूनिट, तो फिर हम इनके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब जैसे ये देखो फैमिली है, ठीक है, क्रू है, कमिटी है, टीम है, ठीक है, ज्यूरी है, ऑडियंस है, ये सब कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। अब इनके साथ ना हम इसी तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं जैसे फैमिली के साथ किया। इनके साथ हम सिंगुलर या प्लुरल कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स दोज फॉर्म दीज ग्रुप्स, ठीक है। तो उन लोगों के मतलब फंक्शन के बेसिस पर जो ये ग्रुप फॉर्म करते हैं, हम इनके साथ सिंगुलर या प्लुरल कैसे भी वर्ब लिख सकते हैं। अगर वो लोग जिनसे ये ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है, वो एज अ यूनिट एक्ट करें और हम उनको एज अ कंप्लीट यूनिट रेफर करें, तो वर्ब सिंगुलर। अगर हम उनको एज इंडिविजुअल्स रेफर करें, ठीक है, ना कि एज अ कंप्लीट यूनिट, तो फिर इनके साथ में वर्ब प्लुरल लिखनी है। किस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, समझना। देखिए हमने लिखा द कमिटी हैज सम डिफरेंसेस ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर। अब हमें पता है कि कमिटी इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, कमिटी एक कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है। अगर वो जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स है, वो जो मेंबर्स हैं जिनसे एक ग्रुप बना है, वो एक यूनिट के तरीके से एक्ट करें, देन यू हैव टू कंसिडर द कमिटी अ सिंगुलर नाउन। बट इफ दोज पीपल एक्ट एज सेपरेट इंडिविजुअल्स, देन यू हैव टू कंसिडर इट अ प्लुरल नाउन। अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई जो कमिटी के मेंबर्स हैं उन्होंने कैसे एक्ट किया, एज अ यूनिट एक्ट किया कि एज सेपरेट इंडिविजुअल्स एक्ट किया? तो मैं बताता हूँ, देर आर ऑलवेज सम हिंट्स इन दिस सेंटेंस इटसेल्फ। सेंटेंस में ही कोई ना कोई हिंट्स होते हैं, आपको ध्यान देकर उनको समझना पड़ता है। जैसे हमने देखो यहाँ पे डिफरेंसेज लिखा, डिफरेंसेज का मतलब डिस्प्यूट्स, विवाद, ठीक है। तो अगर
जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनमें डिफरेंसेस हैं, तो इसका मतलब दे आर एक्टिंग एज इंडिविजुअल्स, दे आर नॉट एक्टिंग एज अ कंप्लीट या एज अ यूनिट बिकॉज दे हैव गॉट डिफरेंसेस। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि द कमेटी हैज सम डिफरेंसेस, तो इसका जो मतलब जो मेंबर्स ऑफ द कमेटी हैं दे आर नॉट एक्टिंग एज अ यूनिट, दे आर एक्टिंग एज सेपरेट इंडिविजुअल्स। तो इसलिए अब हम कमेटी को यहाँ पे प्लुरल कंसिडर करेंगे और इसके साथ में वर्ब लिखेंगे हैव। नेक्स्ट देखिए, द टीम वर यूनैनिमस एंड कमिटेड टू देयर गोल। अब यहाँ पे देखिए यूनैनिमस का मतलब क्या होता है, यूनैनिमस का मतलब होता है और हैविंग द सेम ओपिनियन। मतलब जैसे यहाँ पे हमने लिखा था कमिटी हैव सम डिफरेंसेस, तो इसका मतलब जो कमिटी के मेंबर्स हैं दे हैव गॉट डिफरेंट ओपिनियंस, उनके ओपिनियंस डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं सबके, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर ट्रीटिंग देम एज सेपरेट इंडिविजुअल्स। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा था टीम वर यूनैनिमस, यूनैनिमस का मतलब हैविंग द सेम ओपिनियन, कोई डिफरेंस नहीं होना, कोई डिस्प्यूट नहीं होना। तो अगर टीम जो है वो भी एक ग्रुप है प्लेयर्स का, अगर वो जो प्लेयर्स हैं जिनसे ये टीम फॉर्म हुई है वो यूनैनिमस हैं, तो इसका मतलब दे आर एक्टिंग एज अ यूनिट, ठीक है। अगर वो एक यूनिट के तरीके से एक्ट कर रहे हैं तो उनके साथ में आप वर्ब सिंगुलर लिखिए वॉज। सो देर आर ऑलवेज सम हिंट्स इन दिस सेंटेंस इट सेल्फ, यू हैव टू जस्ट लुक फॉर देम। सेंटेंस में ही हमेशा हिंट्स होते हैं, आपको केवल उनको ढूंढना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द फैमिली वर नॉट एबल टू सेटल इट्स डिस्प्यूट इन एन एमिकेबल वे। अब यहाँ पे देखो समझना, हमने लिखा द फैमिली, फैमिली ग्रुप होता है ना, वर नॉट एबल टू सेटल इट्स डिस्प्यूट इन एन एमिकेबल वे। अब यहाँ पे ध्यान आपको ध्यान देना ये है कि जैसे फैमिली हमारा सब्जेक्ट है, इसके लिए हमने एक वर्ब यूज किया यहाँ पे वर, और इसके लिए हमने एक डिटर्मिनर यहाँ पे यूज किया इट्स। अभी जो हमने डिटर्मिनर इट्स यूज किया है ये सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज होता है, ठीक है। वर्ब जो हमने वर्ब यूज किया प्लुरल नाउन्स के लिए यूज होता है, तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि अगर फैमिली प्लुरल है तो आपने वर सही लिखा, इट्स गलत लिख दिया, वहां देयर लिखना पड़ेगा। अगर फैमिली सिंगुलर है, मतलब अगर फैमिली का मतलब नंबर हम सिंगुलर मान लें, तो फिर वो इट्स सही है और ये वर गलत हो गया, इसकी जगह वॉज लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब सेंटेंस तो गलत है ही डेफिनेटली, कुछ ना कुछ तो गलत है इसमें। अगर फैमिली को आप प्लुरल ट्रीट कर रहे हो तो यहाँ पे वर लिखा है तो यहाँ पर देयर लिखो, और अगर आप फैमिली को सिंगुलर कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ पे इट्स लिखा है तो यहाँ पर आप वॉज लिखो, ठीक है। तो कुल मिला के सेंटेंस में अभी तो कुछ गलत है, अब हमें सही करना है। तो सही करने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो एक्ट कैसे कर रहे हैं, एज सेपरेट इंडिविजुअल्स और एज यूनिट। तो यहाँ पे देखो लिखा वर नॉट एबल टू सेटल डिस्प्यूट, डिस्प्यूट हो गया, यूनैनिमस हो गया, डिफरेंसेस हो गया, ये कीवर्ड्स होते हैं, इनसे हमें पता चल जाता है कि वो जो इंडिविजुअल्स हैं जिनसे ग्रुप फॉर्म हुआ है वो कैसे एक्ट कर रहे हैं। तो अगर फैमिली में कोई डिस्प्यूट है तो ऑब्वियसली कि जो मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैं वो एक यूनिट के तरीके से एक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर उनमें डिस्प्यूट है तो इसका मतलब वो सेपरेट इंडिविजुअल्स के तरीके से एक्ट कर रहे हैं, तो हमें फैमिली का नंबर यहाँ पे प्लुरल कंसिडर करना पड़ेगा। तो जब आप फैमिली का नंबर प्लुरल कंसिडर कर लोगे तो ये वर्ब जो वर्ब है ना ये तो सही हो जाएगी, लेकिन ये जो इट्स है ये गलत हो जाएगा और इसकी जगह आपको देयर लिखना पड़ेगा। मतलब इस तरीके के हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी आपको अपना डेली लाइफ में भी जब इंग्लिश को आप यूज करते हैं लिखने बोलने में, तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने लिखा था ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन डैश ओपिनियन, ठीक है। अब देखिए ज्यूरी क्या होता है, ज्यूरी इज अ ग्रुप ऑफ जजेस, एक्चुअली दैट इज नॉट प्रॉपरली जजेस, ठीक है, वो जजेस नहीं होते हैं प्रॉपरली, जजेस के ग्रुप को हम बेंच कहते हैं, लेकिन लाइक जजेस ही होते हैं जो अपना फाइनल डिसीजन देते हैं किसी जजमेंट को लेकर, जब जज दे चुके होते हैं। इंडिया में अब ज्यूरी सिस्टम फिलहाल में नहीं है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे ज्यूरी लिखा ना, ये ग्रुप हो गया। अब ये जिन इंडिविजुअल्स का ग्रुप है अगर वो एक यूनिट के तरीके से एक्ट कर रहे हैं तो वर्ब हमें प्लुरल लिखनी पड़ेगी, अगर वो एज सॉरी सिंगुलर लिखनी पड़ेगी, अगर वो इंडिविजुअल्स के तरीके से एक्ट कर रहे हैं तो वर्ब प्लुरल लिखनी पड़ेगी। हमें ऑप्शन क्या दिए, वॉज, इट्स, वर, इट्स वॉज देयर, वर देयर। अब देखिए आप वेरी डेफिनेटली, मतलब ये दो ऑप्शन तो मान के चलिए गलत है, ये दो तो सही हो नहीं सकते। क्यों नहीं सही हो सकते, अगर हम वर्ब प्लुरल यूज करेंगे तो फिर हमें डिटर्मिनर भी देयर लिखना पड़ेगा, तो ये वर और इट्स तो एक साथ नहीं यूज हो सकते, गलत है। अगर हम वर्ब सिंगुलर वॉज यूज करेंगे तो यहाँ पे देयर की जगह इट्स लिखना पड़ेगा, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब पता है क्या, या तो हमारा ऑप्शन डी सही है, वर देयर या वॉज इट्स ये सही है। भाई या तो आप इसको सिंगुलर कंसीडर करोगे या आप इसे प्लुरल कंसीडर करोगे, दोनों एक साथ तो कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ है क्या, यहाँ पर ये जो हमने डिवाइडेड वर्ड लिखा ना, ध्यान से देखो ये डिवाइडेड किसे डिस्क्राइब करने के लिए, ज्यूरी को। तो इसका मतलब जो मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी हैं दे आर नॉट यूनाइटेड, दे आर नॉट यूनाइटेड, दे आर नॉट बिहेविंग लाइक अ यूनिट, दे आर इंडिविजुअल्स, दे आर बिहेविंग लाइक इंडिविजुअल्स। तो हम यहाँ पे ज्यूरी को प्लुरल कंसिडर करेंगे। अच्छा प्लुरल कंसिडर करोगे तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया वर देयर, ठीक है। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन।
तो ये बात आपको ध्यान देने की, इस डिवाइडेड से हमें पता चल गया कि ये ज्यूरी को हमें प्लूरल कंसीडर करना है, और जब ये पता चल गया यहाँ पे वर लिखोगे तो ये भी ध्यान रखना है कि फिर आपको यहाँ पर देयर ही लिखना पड़ेगा, आप यहाँ पे इट्स नहीं लिख सकते। ठीक है, अब एक हम दूसरी सिचुएशन सपोज करते हैं कि डिवाइडेड यहाँ पे लिखा हुआ है, तब तो हमने ऑप्शन लिख दिया डी, लेकिन अगर यहाँ पे यूनैनिमस लिखा होता तो हम ऑप्शन लिख देते ए, है कि नहीं। डिवाइडेड लिखने से पता चल गया कि मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी जो है ना वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के तरीके से एक्ट कर रहे हैं, तो हमने ज्यूरी को प्लुरल नाउन मान लिया। अच्छा, अगर हम यहाँ पे यूनैनिमस लिख देते तो हम ज्यूरी को सिंगुलर नाउन मान लेते, तो उस केस में ऑप्शन आ जाता ए। अभी डिवाइडेड लिखा है तो ऑप्शन हो गया हमारा डी। तो ये आपको ध्यान देने की, जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ में हम वर्ब सिंगुलर या प्लुरल कोई भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन ऑफ दोज इंडिविजुअल्स, के हाउ दे आर बिहेविंग, कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। और ये जैसे ये डिस्प्यूट है, यूनानिमस है, डिफरेंसेस है, डिवाइडेड है, ये हमारे कीवर्ड्स होते हैं, इनसे हम ये गेस कर लेते हैं या हम ये जान जाते हैं कि हमारा जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं जिनसे ग्रुप बना है, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं एज अ यूनिट या एज इंडिविजुअल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्लुरल क्वांटिटीज रेफर्ड टू एज अमाउंट्स, टेक सिंगुलर वर्ड्स। अब देखिए, मैं आपको दो चीजें समझाता हूँ। जैसे नाउन को जब हम मेजर करते हैं तो मेजरमेंट के ना दो मेथड्स होते हैं। आप किसी भी चीज को मेजर करेंगे तो मेजर आप दो तरीके से करते हैं, इधर यू फाइंड द नंबर ऑफ द नाउन और यू फाइंड द अमाउंट। हालांकि नंबर को भी हम अमाउंट मान सकते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पे अमाउंट कह रहा हूँ तो अमाउंट से मतलब क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा, नंबर हम क्या कह रहे हैं, नंबर हम कह रहे हैं रिप्लाई ऑफ हाउ मेनी, रिप्लाई ऑफ हाउ मेनी जो है वो नंबर है। अमाउंट क्या है, अमाउंट है द रिप्लाई ऑफ हाउ मच, हाउ मच का रिप्लाई जो है वो अमाउंट है। तो अभी हमेशा ध्यान देना है कि जो नंबर होता है ये काउंटेबल नाउंस का एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, और नंबर शो करने वाले नाउंस प्लुरल भी हो सकते हैं, वन है तो सिंगुलर होगा, अदरवाइज प्लुरल हो जाएंगे। ठीक है, मोर देन वन। अच्छा, अमाउंट को रिप्रेजेंट करने वाले नंबर नाउंस या अमाउंट को रिप्रेजेंट करने वाली क्वांटिटीज जो कि हाउ मच का रिप्लाई होती है, दे आर ऑलवेज सिंगुलर, वो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा 2 डजन बुक्स, ठीक है, और मैंने लिखा 2 लीटर पेट्रोल, अब देखिए बुक्स जो है और पेट्रोल जो है ये नाउन है, बुक्स के साथ हमने लिखा 2 डजन क्वांटिटी, पेट्रोल के साथ हमने लिखा 2 लीटर क्वांटिटी, लेकिन दोनों में डिफरेंस देखो, 2 डजन जो है ना ये हाउ मेनी का रिप्लाई है, 2 डजन रिप्लाई कर रहा है हाउ मैनी को, हेंस इट इज नंबर। 2 लीटर रिप्लाई कर रहा है हाउ मच को, हाउ मैनी को नहीं, हाउ मच को, हेंस इट इज एन अमाउंट, तो ये अमाउंट है। तो ये आपको समझना है कि 2 लीटर इज द रेफरेंस टू अमाउंट, 2 डजन इज द रेफरेंस टू नंबर। तो जब हम किसी नाउन को नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, हाउ मैनी की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो वो प्लुरल हो सकता है। अगर वो वन है तो सिंगुलर है, अदरवाइज फिर वो प्लुरल है। अब जैसे हमें पता है कि 2 डजन जो है वो मोर देन वन है, तो ये प्लुरल हो गया, इसीलिए हमने नाउन यहाँ पे बुक्स लिखा प्लुरल। ठीक है, अब जब हम इस नाउन को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके लिए वर्ब भी प्लुरल लिख देंगे। लेकिन ये जो 2 लीटर है ना, ये हाउ मैनी का नहीं है, हाउ मच का रिप्लाई है। जैसे हमने लिखा 2 लीटर पेट्रोल, तो ये जो 2 लीटर है ना, ये हाउ मच का रिप्लाई है, हाउ मच पेट्रोल, तो हाउ मच का रिप्लाई आएगा 2 लीटर। तो 2 लीटर जो है ना ये क्वांटिटी अमाउंट है, और 2 डजन जो है ये क्वांटिटी नंबर है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब हम क्वांटिटीज को मेजर करते हैं तो या तो नंबर में या अमाउंट में। ठीक है, तो जो अमाउंट्स होते हैं वो एक लॉट को रेफर करते हैं, लॉट का मतलब होता है टोटल अमाउंट या टोटल थिंग एक साथ। ठीक है, तो अमाउंट्स जो होते हैं दे ऑलवेज रेफर टू सम लॉट, एक लॉट को रेफर करते हैं, तो उनका नंबर सिंगुलर होता है, उनके साथ वर्ब हमें सिंगुलर लिखनी है। अच्छा, जो हाउ मेनी को रिप्लाई करते हैं, जो नंबर को रेफर करते हैं, वो प्लुरल हो सकते हैं। तो यही छोटा सा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि प्लुरल क्वांटिटीज रेफर टू एज अमाउंट्स, टेक सिंगुलर वर्ब्स। अगर हम प्लुरल क्वांटिटीज को अमाउंट्स के तरीके से रेफर करें तो फिर वर्ब हमें सिंगुलर उनके साथ में लिखनी है। अभी बाद में आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 20 ईयर्स हैज पास्ड सिंस ही डाइड इन दैट एक्सीडेंट, 20 ईयर्स आर टू लॉन्ग अ ड्यूरेशन टू वेट फॉर सम पर्सन। अब देखो, ये जो हमने ईयर लिखा है ये एक नाउन है, और हमें पता है कि ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम, ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम। जैसे ईयर है, मंथ है, वीक है, डे है, डेट है, डिकेड है, सेंचुरी है। ठीक है, दीज आर द यूनिट्स ऑफ टाइम, ये टाइम के यूनिट्स हैं। अच्छा, ऐसी कितनी यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं, 20, 20
20 ईयर्स 20 ईयर्स, तो ये जो 20 ईयर्स है ना एक प्लूरल क्वांटिटी है। लेकिन अब ध्यान देना क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा 20 ईयर्स आर टू लॉन्गर ड्यूरेशन, तो ये जो आर हमने लिखा है लिंकिंग वर्ब है, और इस लिंकिंग वर्ब के बाद में हमने कॉम्प्लीमेंट क्या लिखा है, टू लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये जो हमने टू लॉन्गर ड्यूरेशन लिखा है ना बच्चे, कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि उसको हमने लिंकिंग वर्ब के बाद में लिखा है। अच्छा, अब हमेशा ध्यान देना है कि जो कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट होते हैं वो सेम होते हैं, तो इसका मतलब जो 20 ईयर्स है ना, हम इन्हें इंडिविजुअल ईयर नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हम 20 ईयर को एक टोटल ड्यूरेशन कंसिडर कर रहे हैं, टाइम की एक टोटल ड्यूरेशन, टाइम का एक टोटल अमाउंट कंसिडर किया जा रहा है यहाँ पे 20 ईयर्स को, क्योंकि इस 20 ईयर्स का जो कॉम्प्लीमेंट है ना वो ड्यूरेशन है। तो इसका मतलब हम 20 ईयर्स को एक ड्यूरेशन कंसिडर कर रहे हैं, ना कि 20 ईयर्स। ड्यूरेशन अमाउंट होती है, सिंगुलर इज आ गया। अब यहां आते हैं, हमने लिखा 20 ईयर्स हैज पास सिंस ही डाइड इन दैट एक्सीडेंट, कि जब से वो उस एक्सीडेंट में मरा तब से 20 साल हो चुके हैं। तो यहां पे हम 20 ईयर्स को अमाउंट कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वहां पे हम 20 ईयर्स को एक इंडिविजुअल ईयर कंसिडर कर रहे हैं, जैसे एक ईयर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, तो इस तरीके से 20 ईयर्स पास हो चुके हैं। तो यहां पर एक्चुअल में हम रेफर कर रहे हैं यूनिट ऑफ टाइम ईयर्स को, लेकिन यहां पर हम रेफर कर रहे हैं अमाउंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन को। ठीक है, तो ये जो प्लूरल क्वांटिटी 20 ईयर्स है, इसमें हम यूनिट्स को रेफर कर रहे हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ टाइम ईयर्स को, और ऐसी 20 यूनिट्स हैं, तो ये प्लूरल हो गया, वर्ब हैव लिखनी है। लेकिन यहां पर हम इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ टाइम ईयर्स को नहीं रेफर कर रहे हैं, यहां पर हम रेफर कर रहे हैं 20 ईयर्स की एक कंप्लीट ड्यूरेशन को। तो ये जो 20 ईयर्स है ये अमाउंट है, ये 20 ईयर्स नंबर है, इसके साथ वर्ब प्लूरल आएगी, इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक, तो हमें ये ध्यान देना है कि जब हम प्लूरल क्वांटिटीज को अमाउंट्स के तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, वी टेक देम फॉर एज एन अमाउंट, देन दे टेक सिंगुलर वर्ब्स, अदरवाइज दे टेक प्लूरल वर्ब्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, हमने लिखा 40,000 रुपीज हैज बीन स्टोलन फ्रॉम द अलमीरा। ठीक है, 40,000 रुपीज आर अ वेरी लार्ज सम ऑफ फॉर दोज होमलेस पीपल। अब देखिए रूपी क्या है, ठीक है, रूपीज यूनिट ऑफ इंडियन करेंसी, यूनिट ऑफ इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी की यूनिट हो गई रूपी, और ऐसी कितनी यूनिट चोरी हो गई, 40,000, 40,000 तो मोर देन वन हो गया, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रूपी को रेफर कर रहे हैं जो इंडियन करेंसी की यूनिट है, और ऐसी कितनी यूनिट चोरी हो गई है, 40,000, तो ये हमारे लिए नंबर है। 40,000 रुपीज जो है ना, इट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, ये नंबर ऑफ यूनिट्स है, जो रुपया की यूनिट है ना इंडियन करेंसी की, उसके नंबर को हम रेफर कर रहे हैं कि हाउ मेनी रुपीज, तो ये प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे वर्ब आप लिखे हैं। अच्छा, अब यहाँ आते हैं, यहाँ भी देखो हमने वही लिखा 40,000 रुपीज, लेकिन हमने लिखा 40,000 रुपीज एज अ वेरी लॉन्ग सम, वेरी लार्ज सम, तो यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट लिखा वेरी लार्ज सम, सम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मनी, रकम हिंदी में कहें तो यहाँ पर हम 40,000 रुपीज को एज सेपरेट यूनिट ऑफ इंडियन करेंसी ना कंसिडर करके, हम इस 40,000 रुपीज को कंसिडर कर रहे हैं अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, अब देखो ये 40,000 रुपीज जो है ना, ये है नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑफ मनी, लेकिन ये जो 40,000 रुपीज है ये नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑफ मनी नहीं है, ये है अमाउंट ऑफ द मनी। एंड हाउ डू वी नो इट इट इज अमाउंट, हमें कैसे पता ये अमाउंट है, ये अमाउंट इसलिए है क्योंकि इसका जो हमने कॉम्प्लीमेंट यूज किया ना वो है लास्ट सम, सम का मतलब होता है रकम, टोटल। तो यहाँ पे हम 40,000 रुपीज को एक टोटल अमाउंट ऑफ मनी कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर हम इस प्लूरल क्वांटिटी को अमाउंट के तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, जैसा कि आप वेरी लास्ट सम लिखे होने से पता भी चल गया, तो आप वर्ब सिंगुलर लिखो। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। हेलो, कौन? ठीक है, तो ये इसका हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। मालगुडी डेज आर अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बाय आर के नारायण, एक बहुत अच्छी बुक है मालगुडी डेज। अगर आपको इंग्लिश की कहानियां वगैरह पढ़ना पसंद है, या आप मतलब ढूंढ रहे हो कोई ऐसी किताब आपको मिल जाए जिसको आपको पढ़कर आप एंजॉय कर पाओ, ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट दैट यू गेट इट, आप ये बुक कहीं से परचेज करें, मालगुडी डेज। ठीक है, इंडियन थॉट पब्लिकेशन इसको पब्लिश करता है, ठीक है, इंडिया में मुझे लगता है इंडियन थॉट पब्लिकेशन है एक, वो इस बुक को पब्लिश करता है। ठीक है, ये उस पब्लिकेशन की बुक है मालगुडी डेज, आर के नारायण जी की, बड़ी जबरदस्त बुक है, शॉर्ट स्टोरीज हैं इसमें, ठीक है, स्वामी वगैरह की कहानियां हैं, तो खैर वो एक अलग बात हो गई। अगर आपको पढ़ने के लिए अच्छी बुक चाहिए जिससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाए और आपको पढ़ने की आदत भी पड़ जाए, तो मालगुडी डेज ले लेना। ठीक है, इस पे एक वैसे सीरियल भी दूरदर्शन में पहले आया करता था, मालगुडी डेज आर अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बाय आर के नारायण। अब देखो वैसे तो अगर हम सीधी सी बात करें तो मालगुडी डेज जो है ना वो एक टाइटल है, प्रॉपर नाउन है ना, एक बुक का टाइटल है। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, जो टाइटल्स होते हैं वो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, एंड प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, दे मे अपियर प्लूरल बट दे आर नेवर,
प्रॉपर नाउन देखने में प्लुरल लग सकता है, लेकिन वो होता नहीं, वो हमेशा सिंगुलर होता है, बिकॉज दैट रेफर टू सम पर्टिकुलर इंडिविजुअल, तो वो हमेशा रेफरेंस सिंगुलर ही होता है. तो मालगुडी डेज है ना, मैं देखने में प्लुरल लग रहा होगा, जैसे यहाँ पे हमें 50,000 रुपीज लग रहा है, यहाँ पे 40,000 रुपीज लग रहा है, यहाँ पे 20 ईयर्स लग रहा है, 20 ईयर्स लग रहा है, बट एक्चुअली ये सिंगुलर है. और बाकी देखो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या लिखा, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. तो ऐसे पता चल गया कि मालगुडी डेज जो है वो एक टाइटल है, एक बुक को रेफर कर रहा है, और वो बुक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है. ठीक है, सिंगुलर वर्ब. तो हमने यहां से क्या सीखा कि प्लुरल क्वांटिटीज जो होती हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं, प्लुरल क्वांटिटीज ऑफ व्हाट, प्लुरल क्वांटिटीज ऑफ टाइम, प्लुरल क्वांटिटीज ऑफ मनी, प्लुरल क्वांटिटीज ऑफ डिस्टेंस, प्लुरल क्वांटिटीज ऑफ वॉल्यूम एटसेट्रा. अगर हम टाइम, मनी, मास, मास तो मैंने देखो यहां पे लिखा ही नहीं, जैसे मान लो हमने लिख दिया 50 किलोग्राम्स, ठीक है, तो अगर टाइम, मनी, डिस्टेंस, वॉल्यूम, मास, इनकी प्लुरल क्वांटिटीज को अमाउंट्स के तरीके से रेफर करें, तो इनके साथ में वर्ब सिंगुलर लिखना, अदरवाइज प्लुरल लिखना. ठीक है, ये ध्यान रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है यूज वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द एंटीसीडेंट्स ऑफ अ रिलेटिव प्रोनाउन. एक मिनट में बात कर लेता हूँ. हेलो मनीष, यार तुम इतना फोन करते हो क्लास के टाइम में, 3 से 5 का टाइम दिया था, आ जाओ सेंटर पर, मैं इंतजार कर रहा हूं, फोन कर करके क्लास के बीच में परेशान कर रहा हूं, आ जाओ. किसी को मिलने के लिए बुलाया, लोग मतलब कुछ लोग रहते हैं उनको फोन पकड़ा दो, फिर किसी ने किसी के नाक में दम करते रहेंगे. ठीक है भाई, अब चलिए खैर मैं वापस आता हूँ कमेंट पे. ठीक है, ये पार्ट एडिट तो हो नहीं पाएगा बिकॉज इन द मिडिल ऑफ द मतलब वीडियो है, चलिए कोई नहीं. नेक्स्ट हमारा देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, यूज वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द एंटीसीडेंट्स ऑफ अ रिलेटिव प्रोनाउन. देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आप अगर नहीं जानते, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और अगर जानते हैं थोड़ा बहुत तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर नहीं जानते होगे तो मैं बताऊंगा. ठीक, देखिए हु, होम, विच और दैट, ये वर्ड्स होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस. ठीक है, रिलेटिव इसलिए इन्हें कहते हैं क्योंकि ये इन रिलेशन विद देयर एंटीसीडेंट यूज होते हैं, मतलब ये हमेशा यूज होते हैं. रिलेटिव का मतलब समझ रहे हैं, रिलेटिव का मतलब जो इंडिपेंडेंट नहीं है, किसी से रिलेटेड है, रिलेटिव का मतलब ये होता है. तो ये जो है ना वर्ड्स, ये प्रोनाउन है, हु, होम, विच, दैट, ये प्रोनाउंस है और ये रिलेटिव प्रोनाउंस है. रिलेटिव प्रोनाउन हम इसलिए इन्हें कहते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये हमेशा किसी के रिलेशन में यूज होते हैं, मतलब किसी से रिलेट करके इनका यूज किया जाता है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम रिलेटिव प्रोनाउंस. ठीक है, अच्छा जिसके लिए यूज होते हैं ना वो इनसे पहले लिखा जाता है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया द बॉय हु, द बॉय होम, द सिटी विच, द बुक दैट. तो मान लीजिए इनसे पहले हम कोई नाउन लिख दें, कुछ भी लिख देते हैं, सपोज हमने लिख दिया द बॉय, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन ना इस बॉय को रेफर करेंगे, तो जो जिसको ये रेफर करेंगे ना वो इनसे पहले लिखा जाएगा और हम उसे कहेंगे इनका एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट का मतलब पूर्ववर्ती होता है, पहले आने वाला. तो ये जो हमने हु लिखा, होम लिखा, विच लिखा, दैट लिखा ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है. ठीक है, और ये किसे रेफर कर रहे हैं, मतलब किसके रिलेशन में यूज हो रहे हैं, ये रिलेशन हो रहे हैं, ये यूज हो रहे हैं अपने एंटीसीडेंट के रिलेशन में. इनका एंटीसीडेंट कौन है, द बॉय. तो अब हमें ध्यान ये रखना है कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा किसी के रिलेशन में यूज किए जाते हैं. तो रिलेटिव प्रोनाउंस को अगर हम कभी किसी क्लॉज का सब्जेक्ट बना लें, ठीक है, तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उसके एंटीसीडेंट के नंबर के अकॉर्डिंग लिखनी है, ये हमेशा ध्यान रखना है. जैसे यहां देखो हमने विच लिखा, ठीक है, यहां पर दैट लिखा, यहां पर हु लिखा, यहां पर भी हु लिखा, ठीक है, इसको लास्ट में देखेंगे. अभी जो विच लिखा ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये इस क्लॉज का सब्जेक्ट है, विच इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, ये जो पूरी क्लॉज है ना, इस क्लॉज का सब्जेक्ट ये विच है. ठीक है, फिर हमने लिखा दैट वर चार्ज्ड विद एनर्जी, ये इस क्लॉज का सब्जेक्ट दैट है और वर चार्ज्ड विद एनर्जी प्रेडिकेट है, इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स प्रेडिकेट है. यहां पर ये जो हु है ये सब्जेक्ट है और इसकी प्रेडिकेट है बिलीव इन विनिंग थ्रू आर्गूमेंट. यहां पर ये हु जो है ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका प्रेडिकेट है बिलीव इन विनिंग थ्रू आर्गूमेंट. तो ये जो वर्ड्स हैं हु, होम, विच, दैट, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं. इनमें से होम हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, हु हमेशा सब्जेक्ट होता है, विच, दैट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं. फिलहाल में ये जो हमने रिलेटिव प्रोनाउन लिखे हैं, जैसे विच लिखा, दैट लिखा, हु लिखा, हु लिखा, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं क्योंकि इनके बाद हमने इनके प्रेडिकेट्स लिख रखे हैं. ठीक है,
तो ये जो हमने प्रेडिकेट्स लिखे हैं, प्रेडिकेट्स में वर्ब लिखी गई हैं, अब वो वर्ब्स जो हैं वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई डेफिनेट नंबर होता है क्या, उसके अकॉर्डिंग लिखें या किसी और के अकॉर्डिंग लिखें? तो हमेशा ध्यान देना है कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, इसीलिए उनका अपना कोई इंडिपेंडेंट नंबर भी नहीं होता है, ठीक है? बिकॉज दोज आर रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेटिव होते हैं, तो उनका नंबर भी रिलेटिव होता है, उनका पर्सन भी रिलेटिव होता है, ठीक है? उनका जेंडर भी रिलेटिव होता है। दे डोंट हैव अब्सोल्यूट और इंडिपेंडेंट नंबर, जेंडर, पर्सन, केस, ठीक है? ये ध्यान रखना है। तो ये जो विच हमने सब्जेक्ट बना के लिख दिया ना रिलेटिव प्रोनाउन, हम वर्ब इसके अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग जिसके लिए विच का यूज किया गया। अब जैसे यहाँ पे देखें तो विच का यूज किया गया द एंट्रीज के लिए, अब द एंट्रीज नाउन प्लूरल है, तो हम विच के बाद में वर्ब प्लूरल लिखेंगे आर। यहां पर हम देखें दैट का यूज हमने किया परफॉर्मेंस के लिए, अ मेमोरेबल परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस का नंबर सिंगुलर है, तो हम दैट का वर्ब लिखेंगे सिंगुलर वॉज। बात समझ में आ रही है? ये जो विच है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउंस डोंट हैव डेफिनेट नंबर, डेफिनेट पर्सन, डेफिनेट जेंडर, मतलब उनका नंबर, पर्सन, जेंडर डेफिनेट नहीं होता है, वो रिलेटिव टू देयर एंटीसीडेंट होता है, ठीक है? तो अगर एंटीसीडेंट प्लुरल है तो रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर ऑटोमेटिकली प्लुरल हो जाएगा, अगर रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर है तो एंटीसीडेंट का भी नंबर सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे हमने विच रिलेटिव प्रोनाउन लिखा, इसका एंटीसीडेंट है द एंट्रीज, तो द एंट्रीज के अकॉर्डिंग वर्ब आ गई आर। यहाँ पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट है अ मेमोरेबल परफॉर्मेंस, तो अ मेमोरेबल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वर्ब आ गई वॉज, ठीक है? अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर हमने देखा जो हु है इसका एंटीसीडेंट है अकेडमिक, अकेडमिक का मतलब स्कॉलर होता है, ठीक है? तो अकेडमिक सिंगुलर है, तो हम हु के बाद में वर्ब लिख देंगे सिंगुलर बिलीव्स, ठीक है? यहां पर देखें तो हु का एंटीसीडेंट है द अकेडमिक्स, द अकेडमिक्स जो है ये प्लुरल है, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लिखेंगे प्लुरल, ये जो बिलीव है ये सही हो गया, मतलब बिलीव ऑलरेडी प्लुरल है तो हम उसको नहीं चेंज करेंगे, बस ये कॉन्सेप्ट है। तो अब ध्यान क्या रखना है कि जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, जैसे ये हु है, एक मिनट, ये हु है, ये दैट है, और ये विच है, अगर हम इनको सब्जेक्ट बना के लिखें किसी क्लॉज में, तो इनके साथ जो हम वर्ब लिखेंगे वो वर्ब इनके नंबर के अकॉर्डिंग नहीं यूज हो सकती, क्योंकि इनका अपना कोई डेफिनेट नंबर नहीं होता है, वो वर्ब इनके एंटीसीडेंट के नंबर के अकॉर्डिंग यूज होती है, क्योंकि ये वही नंबर शेयर करते हैं जो इनके एंटीसीडेंट का होता है। अगर इनका एंटीसीडेंट सिंगुलर नंबर का है तो ये भी सिंगुलर नंबर के हैं, अगर इनका एंटीसीडेंट प्लुरल नंबर का है तो ये भी प्लुरल नंबर के हैं, मतलब लॉजिक है। एक एग्जांपल मैं तुम्हारे लिए लिखता हूं, देखो समझना। जैसे एक मैंने सेंटेंस लिखा, इट इज आई हु इज बीइंग ब्लेम्ड, ठीक है? जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, इट इज आई हु इज बीइंग ब्लेम्ड। अब देखो ये जो हु है रिलेटिव प्रोनाउन है, हमने इसको सब्जेक्ट बना रखा है और इसका प्रेडिकेट ये लिखा इज बीइंग ब्लेम्ड, तो जो इज बीइंग ब्लेम्ड हमने प्रेडिकेट लिखा ना, इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट ये हु है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अच्छा, अब चूंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो किसी ना किसी को रेफर कर रहा होगा, ध्यान से देखें, ये रेफर कर रहा है आई को, इसका एंटीसीडेंट आई है ना, तो अगर इसका एंटीसीडेंट आई है तो हम हु के बाद में वही वर्ब लिखेंगे जो आई के साथ लिखी जाती है। अच्छा, ये तो सबको पता है कि आई के साथ में इज नहीं यूज होता, एम यूज होता है, तो यहाँ पे हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, इट इज आई हु एम बींग ब्लेम्ड। तो हमें एक छोटी सी बात बस ये ध्यान देनी है कि जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, अगर हम उनको क्लॉज का सब्जेक्ट बनाकर यूज करें तो जो उनके बाद हम वर्ब लिखेंगे, ठीक है, वो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के नंबर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, मतलब वो वर्ब लिखेंगे जो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के साथ यूज होती है वो, ठीक है? खैर, अब एक फिफ्थ एग्जाम्पल यहां पर है, अ बैट इज ऑनली वन ऑफ द क्रिएचर्स दैट हैव बोथ विंग्स एंड टीथ। अब हमने कहा जैसे डिफरेंट टाइप के क्रिएचर्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स हैव विंग्स, दे डोंट हैव टीथ, दे हैव बीक, ठीक है? जैसे बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, तो पक्षियों में क्या होता है, पक्षियों में चोंच होती है, दांत नहीं होते, ठीक है, और पंख होते हैं उनमें, ठीक है? अच्छा, एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में दांत होते हैं, एनिमल्स हैव टीथ बट दे डोंट हैव विंग्स, उनमें विंग्स नहीं होते। अच्छा, लेकिन बैट एक ऐसा मतलब क्रिएचर है जिसमें पक्षियों के जैसे विंग्स भी होते हैं, कैन फ्लाई, बैट फ्लाई कर सकता है, ठीक है, उसके विंग्स होते हैं। अच्छा, एंड बैट हैज टीथ ऑल्सो, बैट के दांत भी होते हैं, उसके चोंच नहीं होती, आप ध्यान देना, उसके पंख होते हैं पक्षियों के जैसे, लेकिन उसकी चोंच नहीं होती जैसे पक्षियों के होती है, उसके दांत होते हैं, ठीक है? बाकी पहले कभी डायनासोर्स वगैरह थे, उनके भी था, उनके भी विंग्स और टीथ हुआ करते थे, लेकिन अब तो खैर डायनासोर्स वगैरह, ड्रैगन्स वगैरह तो होते नहीं है, ठीक है? तो अब मैंने वही बात यहाँ पे इस एग्जाम्पल में लिख दी, अब बैट इज ओनली वन ऑफ द क्रिएचर्स दैट हैव बोथ विंग्स एंड टीथ। तो यहाँ पे देखें जो दैट है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका प्रेडिकेट है हैव बोथ,
हैव बोथ विंग्स एंड टेल, ये प्रेडिकेट है। तो दैट सब्जेक्ट हो गया इस प्रेडिकेट का। तो हम दैट के बाद जो वर्ब लिखेंगे दैट का एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। दैट का एंटीसीडेंट यहाँ पे क्या है, क्रिएचर्स। तो क्रिएचर्स के अकॉर्डिंग वर्ब लिखेंगे तो हैव आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्रिएचर्स प्लूरल है तो ये सेंटेंस सही हो जाना चाहिए। लेकिन अभी इतना आसान है नहीं। अब इसमें हमें समझना क्या है, देखो हमने लिखा ओनली वन ऑफ द क्रिएचर्स, ध्यान देना, यहाँ पर हमने लिखा ओनली वन ऑफ द क्रिएचर्स, यहाँ पर हमने लिखा वन ऑफ द एकेडमिक्स। अब वैसे तो मैं आपको इसको दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जब हम वन ऑफ द एकेडमिक्स लिखते हैं ना, तो इसका मतलब ये जो वन है वो पार्ट ऑफ द एकेडमिक्स है और ये वही मतलब एट्रीब्यूट शेयर करेगा जो टोटल कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम ओनली वन ऑफ द क्रिएचर्स लिख देंगे तो ओनली जो इस वन का है ना एक्सक्लूजन कर देगा बाकियों से, ओनली जो है वो वन को स्ट्रेस करेगा बाकियों को नहीं करेगा। तो ओनली वन ऑफ द क्रिएचर्स लिख देने से जो वन है ना वो क्रिएचर्स में अब इंक्लूडेड नहीं रहेगा, ये उससे एक्सक्लूड हो जाएगा। एक तो बात याद ध्यान रखनी है। तो यहां पे हमारा रेफरेंस है केवल वन, ना कि क्रिएचर्स, और यहां पे हमारा रेफरेंस है सारे एकेडमिक्स। दूसरा मैं तरीका आपको और समझा देता हूं। जैसे अगर कभी हम ऐसे लिखे ना ओनली वन ऑफ द बॉयज, तो इसका मतलब द ओनली बॉय होता है, इसका मतलब होता है द ओनली बॉय। ओनली वन ऑफ द बॉयज का मतलब दिस वन इज नॉट शेयरिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ द टोटल। अगर हम ओनली वन लिख देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये जो वन है ना वो इस टोटल के एट्रीब्यूट्स को शेयर नहीं कर रहा है, ये उससे डिफरेंट है, तभी हमने इसके बाद में ओनली लिखा। अच्छा अगर हम लिखें वन ऑफ द बॉयज, ठीक है, तो वन ऑफ द बॉयज का मतलब हो जाएगा अ बॉय। तो इसका मतलब ये जो वन है ये वही एट्रीब्यूट शेयर करेगा जो इसका टोटल बॉयज शेयर करेगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे लॉजिक्स होते हैं जो आपको अप्लाई करने पड़ते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि रूल्स वगैरह हमेशा काम नहीं करते हैं। कई बार आपको सेंटेंस को ना यू मस्ट हैव अ प्रेजेंस ऑफ माइंड, अब में प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूर होनी चाहिए कि आप सिचुएशन के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सेंटेंस को पढ़ के समझ पाओ फिर आंसर करो, ना कि केवल जो रूल्स वगैरह याद कर लिए उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा ना अ बैट इज ओनली वन ऑफ द क्रिएचर्स, इसमें एक्चुअली हम पता क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं अ बैट इज द ओनली क्रिएचर, अ बैट इज द ओनली क्रिएचर। अब देखो द ओनली क्रिएचर जो है ना सिंगुलर है, तो ये जो दैट है ना वो एक सिंगुलर रेफरेंस को, मतलब एक सिंगुलर नाउन को रेफर कर रहा है द ओनली क्रिएचर को, तो हम दैट के बाद में वर्ब सिंगुलर लिखेंगे हैज। तो ये जो सिचुएशंस है ना इनका थोड़ा सा ध्यान देना। होता क्या, हमें दिखाई पड़ता है कि दैट से पहले हमने लिख रखा क्रिएचर्स, तो हम क्रिएचर्स के अकॉर्डिंग हैव लिखना चाहते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं देते कि यहाँ पे ओनली भी लिखा था। ओनली लिख देने से वो जो वन है ना वो इस क्रिएचर से एक्सक्लूड हो गया। अब ये जो रेफरेंस है ना वो केवल वन का है, ना कि टोटल क्रिएचर्स का, तो अब उस वन के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर लिखनी पड़ेगी हैज, ठीक है। तो अगर ये ओनली नहीं लिखा होता तो ये सही होता, ओनली लिख दिया तो ये गलत है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हेलो, नहीं लॉक नहीं है, आप थोड़ा सा ना उसको साइड में कर दो, उसको हैंडल को, और हाँ टॉप फ्लोर पर नीचे से थोड़ा सा साइड में कर दो और आ जाओ ऊपर। हाँ नहीं टॉप फ्लोर पे आ जाओ। हाँ ठीक है, ये हो गया। तो ये ध्यान देना कि जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं दे डोंट हैव अ डेफिनेट नंबर और जेंडर, उनका कोई अपना डेफिनेट नंबर जेंडर नहीं होता, उनका नंबर और जेंडर जो होता है वो रिलेटिव टू देयर एंटीसीडेंट होता है। एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वो सिंगुलर है, एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वो प्लूरल है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है। बाकी ये जो वन ऑफ द एकेडमिक्स और ओनली वन ऑफ द एकेडमिक्स वाला डिफरेंस ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन्फिनिटिव्स एंड जेरेंट्स टेक सिंगुलर वर्ब्स। अब देखिए क्या होता है, इन्फिनिटिव्स और जेरेंट्स जो होते हैं ना नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, ये तो पता ही होगा। इन्फिनिटिव्स और जेरेंट्स जो है ना ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं विच एक्ट एज नाउन्स ऑल्सो, मतलब हालांकि इनके एक दो और भी फंक्शन होते हैं लेकिन ये नाउन के तरीके से भी फंक्शन करती हैं। इन्फिनिटिव ये फॉर्म होती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जेरेंट ये फॉर्म होती है वर्ब की एनजी फॉर्म, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर कभी हम इन्फिनिटिव को या जेरेंट को किसी प्रेडिकेट के लिए एज अ सब्जेक्ट यूज करें, ठीक है, तो वर्ब वहां पे हमेशा सिंगुलर यूज करना, ठीक है। तो अगर हम कभी किसी इन्फिनिटिव को या किसी जेरेंड को सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज करें, ठीक है, तो उनके साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर लिखना। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा, फ्लाइंग काइट्स आर नॉट एज ईजी एज मोस्ट चिल्ड्रन थिंक इट टू बी। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है ना वो फ्लाइंग है, कि फ्लाइंग जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, और काइट्स जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान क्या देना कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स और सेमी वर्ब्स दे कैन हैव देयर ओन सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, उनके अपने सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो जो काइट्स है ये हमारी इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, इसका सब्जेक्ट फ्लाइंग है, और ये जो काइट्स है इस फ्लाइंग नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है। तो कुल मिला के बात यह कि हमारा सब्जेक्ट फ्लाइंग है और इसका प्रेडिकेट है आर नॉट एज इजी। तो हम फ्लाइंग के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे, फ्लाइंग के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करोगे तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी इज। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा फ्लाइंग सॉसर्स इज सपोज टू बी एलियन करियर्स, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ये फ्लाइंग हमारा सब्जेक्ट हो गया, सॉसर्स हमारा इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और फ्लाइंग के अकॉर्डिंग वर्ब इज सही हो जाएगी। बट ध्यान देना, ये जो हमने प्रेडिकेट लिखा ना इज सपोज टू बी एलियन कैरियर्स, ये जो एलियन कैरियर्स कहा जा रहा है ना, एलियन कैरियर्स सॉसर्स को कहा जा रहा है, ना कि फ्लाइंग को। अच्छा, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, अ सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट, कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करें। तो ये जो हम यहाँ पे प्रेडिकेट यूज कर रहे हैं ना इज सपोज टू बी एलियन कैरियर्स, ये बात कही जा रही है सॉसर्स के बारे में, ना कि फ्लाइंग के बारे में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है सॉसर्स, फ्लाइंग सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, अगर सॉसर सब्जेक्ट है तो ये फ्लाइंग फिर है क्या ये? तो ये फ्लाइंग बच्चे ना, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करती है। तो ध्यान क्या देना है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स जो होती हैं, जिन्हें हम जेरेंड और पार्टिसिपल दोनों कहते हैं, तो इनमें से जेरेंड जो होता है वो नाउन यूज होता है और पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव यूज होता है। अगर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को एज ए नाउन यूज करें तो वो जेरेंड कहा जाएगा, अगर हम उसको एज एन एडजेक्टिव यूज करें तो उसको पार्टिसिपल कहा जाएगा। तो ये जो हमने फ्लाइंग लिखा ना, ये डिस्क्रिप्शन है सॉर्सर्स का। जैसे हमने लिखा सॉर्सर्स, व्हाट काइंड ऑफ सॉर्सर्स, तो रिप्लाई आ गया फ्लाइंग। तो फ्लाइंग जो है वो एडजेक्टिव है, सॉर्सर्स नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन यहाँ पे फ्लाइंग जो है ना वो काइट्स को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, यहाँ पे फ्लाइंग हमारा सब्जेक्ट है और काइट्स इसका ऑब्जेक्ट है। तो हम जो वर्ब यहाँ पे लिखेंगे वो सॉर्सर्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आर। तो ध्यान ये हमें रखना है, बेसिकली बात ये है कि ये जो फ्लाइंग है ये जेरेंड है, लेकिन ये फ्लाइंग जेरेंड नहीं है। अब रह गई बात कि हमें पता कैसे चलता है कि ये जेरेंड है ये जेरेंड नहीं है, ठीक है। तो उसका सबसे आसान तरीका ये कि आप प्रेडिकेट की मदद लिया करो। जैसे यहां पे हमने प्रेडिकेट लिखा और यहां पर भी हमने प्रेडिकेट लिखा, तो ये जो प्रेडिकेट होता है, आप ये देखो ये प्रेडिकेट किसके बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है वही हमारा सब्जेक्ट है। देखिए, हम जैसे कि पहले से जानते हैं कि सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात करें, ठीक है, एंड प्रेडिकेट इज व्हाट इज टॉक्ड अबाउट द सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। तो जो सेंटेंस का प्रेडिकेट होता है, आपको ये पता करना चाहिए कि वो प्रेडिकेट किसे रेफर कर रहा है। जैसे हमने लिखा आर नॉट एज इजी एज मोस्ट चिल्ड्रन थिंक, तो ये बात कही जा रही है फ्लाइंग के बारे में, फ्लाइंग जो एक एक्शन है ना वो आसान है, उसके बारे में बात कही जा रही है। तो यहां पे सब्जेक्ट हो गया फ्लाइंग। फिर यहां पे हमने लिखा इज सपोज टू बी एलियन कैरियर्स, अब ये जो एलियन कैरियर्स है किसे कहा जा रहा है, फ्लाइंग को या सॉसर्स को? तो ये कहा जा रहा है सॉसर्स को, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सॉसर्स हो गया। अब जब सॉसर्स हमारा सब्जेक्ट हो गया तो फ्लाइंग इसका एडजेक्टिव हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अच्छा, यहां पे फ्लाइंग हमारा सब्जेक्ट था तो काइट्स जो है वो इस फ्लाइंग का नॉन फिनाइट वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि जब हम प्रेडिकेट से रिलेट कर लेते हैं ना, तो हमें इजिली, मतलब वी कैन इजिली गेस व्हाट द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस इज। अब देखिए, जब फ्लाइंग हमने जेरेंड को एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे ना, तो इसके साथ वर्ब लिखनी पड़ेगी सिंगुलर, क्योंकि एक सिंगल एक्शन है ना फ्लाइंग, फ्लाइंग एक सिंगल एक्शन है, तो इसके साथ में वर्ब आ जाएगी सिंगुलर इज। अच्छा, यहां पे सब्जेक्ट फ्लाइंग है नहीं, सॉसर्स है, तो सॉसर्स के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी आर, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को, जो कि जेरेंड होता है, जब सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज करेंगे, तो उसके साथ में वर्ब हमें लिखनी है सिंगुलर। कई बार ऐसा भी हो सकता है उस जेरेंड का अपना कोई ऑब्जेक्ट हो जो कि प्लुरल नाउन या प्रोनाउन हो, ठीक है, बट यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज अबाउट दैट, उससे तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक। लेकिन ये बात और छोटी सी ध्यान देना है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमेशा जेरेंड नहीं होती, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट पार्टिसिपल, व्हेन दे आर प्रेजेंट पार्टिसिपल दे आर एडजेक्टिव एंड दे डिस्क्राइब सम नाउन और प्रोनाउन, एंड नाउन एंड प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट एंड यू हैव टू यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ दैट नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। फिर थर्ड में आ जाते हैं, थर्ड एग्जाम्पल में हमने लिखा सेलिंग कॉन्ट्राबैंड्स। कॉन्ट्राबैंड्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जो इलीगल है जिनको बेचना, मतलब जैसे देसी शराब वगैरह हो गई या कुछ ड्रग्स वगैरह हो गई, मतलब इस तरीके की चीजें। तो सेलिंग कॉन्ट्राबैंड्स आर एन ऑफेंस विच मे गेट यू बिहाइंड द बार्स। नाउ सी, यहां पे हमने लिखा आर एन ऑफेंस विच मे गेट यू बिहाइंड द बार्स, तो ये प्रेडिकेट है। अब हमें ये पता करना है कि ये प्रेडिकेट किसे रेफर कर रहा है, आर एन ऑफेंस। तो आर एन ऑफेंस हम किसे कह रहे हैं, ऑफेंस हम किसे कह रहे हैं, कॉन्ट्रामेंट्स को कह रहे हैं या एक्शन ऑफ सेलिंग को कह रहे हैं? तो जब आप दिमाग लगाओगे ना, तो अपने आप जान जाओगे कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट सेलिंग एक्शन को रेफर कर रहा है, ना कि कॉन्ट्रामेंट्स को। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया सेलिंग। अच्छा, अगर हमने वर्ब की एनजी फॉर्म को सब्जेक्ट बना लिया, तो इसका मतलब वर्ब की एनजी फॉर्म नाउन है, तो ये जेरेंड हो गई। अगर ये जेरेंड हो गई तो कॉन्ट्रामेंट्स जो है वो इसका अपना ऑब्जेक्ट हो गया। अब चूंकि सेलिंग जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमने सब्जेक्ट बना रखी, एक जेरेंड है और एक सिंगल एक्शन को रेफर कर रही है, तो इसका नंबर सिंगुलर हो गया, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आपको सिंगुलर लिखनी चाहिए इज, ठीक है। फिर हमने लिखा टॉकिंग डोल्स इज इन ग्रेट डिमांड दिस डेज, तो ये जो हमने लिखा ना इज इन ग्रेट डिमांड। तो अब हमें यह पता करना है इज इन ग्रेट डिमांड किसे रेफर कर रहा है, ठीक है, डॉल्स या टॉकिंग, मतलब व्हाट इज इन ग्रेट डिमांड, ग्रेट डिमांड में आजकल क्या है, टॉकिंग ग्रेट डिमांड में या डॉल्स जो है वो ग्रेट डिमांड में। तो अपने आप आइडिया लग जाएगा कि ये बात तो डॉल्स के बारे में कही जा रही है, तो डॉल सब्जेक्ट हो गया।
तो अगर कभी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में या जेरेंड में कंफ्यूजन हो ना, तो आप वहां पे प्रेडिकेट की मदद लिया करो। ये देखा करो कि प्रेडिकेट किसे रेफर कर रहा है। अब जैसे ये प्रेडिकेट डॉल्स के बारे में यूज हो रहा है, तो डॉल्स हमारा सब्जेक्ट हो गया। अगर डॉल्स सब्जेक्ट हो गया तो टॉकिंग जो है वो इसका एडजेक्टिव हो गया, व्हाट काइंड ऑफ डॉल्स। तो यहाँ पर डॉल्स सब्जेक्ट है, डॉल्स का नंबर प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिख दें आप, आर। डन, ठीक है। तो ये जो जेरेंड होते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं, दे मे बी अ बिट कंफ्यूजिंग। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रेडिकेट से मदद ले लोगे तो वो कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, इन्फिनिटिव्स को लेकर कोई कंफ्यूजन होता नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटिव्स अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हो रहे हैं तो ऑब्वियस बात है वो नाउन नहीं होंगे, वो एडजेक्टिव वगैरह होते नहीं है, ठीक है। तो अगर हमने ऐसे लिखा ना, टू ट्रस्ट सच पीपल आर नॉट रिकमेंडेड, तो आप श्योर रहो कि ये जो टू ट्रस्ट है ना, यही आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये टू ट्रस्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, जिस तरीके से जेरेंड नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, उनके अपने ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उसी तरीके से इन्फिनिटिव्स भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, उनके भी अपने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो सच पीपल है वो टू ट्रस्ट नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये जो हमारा प्रेडिकेट है, आर नॉट रिकमेंडेड इफ यू हैव एनी अल्टरनेटिव, तो ये जो प्रेडिकेट है इसका सब्जेक्ट है टू ट्रस्ट। टू ट्रस्ट एक एक्शन है, एक सिंगल एक्शन है, तो इसका नंबर सिंगुलर हो गया। इसके साथ में वर्ब आप सिंगुलर लिख दीजिए, इज। टू ट्रस्ट सच पीपल इज नॉट रिकमेंडेड इफ यू हैव एन अल्टरनेटिव, मतलब अगर तुम्हारे पास कोई विकल्प है तो ऐसे लोगों को ना ही ट्रस्ट करो, यही मतलब सलाह है। कुल मिला के बात खत्म हुई इस स्लाइड की यहाँ पे। तो हमने ये सीखा कि अगर हम कभी नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इन्फिनेटिव्स या जेरेंड्स को सेंटेंस में एज सब्जेक्ट यूज करें तो उनके लिए वर्ब सिंगुलर यूज करनी पड़ती है, बिकॉज दे रेफर टू सम सिंगुलर एक्शन। बट उसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि कई बार ऐसा होता है कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हम एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल भी सेंटेंस में यूज कर रहे होते हैं एज एन एडजेक्टिव, तो वो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड वाला है वो सिचुएशन कई बार कंफ्यूजिंग हो सकती है। तो उस कंफ्यूजन में अगर नहीं फंसना चाहते हो तो उसके लिए सिंपल तरीका आपके पास ये है कि यू टेक हेल्प फ्रॉम द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, कि जो सेंटेंस का प्रेडिकेट है उससे हेल्प लो और ये देखो कि प्रेडिकेट किसे रेफर कर रहा है। अगर प्रेडिकेट एक्शन को रेफर कर रहा है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को रेफर कर रहा है, तो वो वर्ब के आईएनजी फॉर्म जेरेंड है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब सिंगुलर यूज करो। अगर वो प्रेडिकेट वर्ब की आईएनजी फॉर्म को नहीं, उसके साथ लिखे गए नाउन को रेफर कर रहा है, तो फिर वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंड नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है और नाउन सब्जेक्ट है, उस नाउन के अकॉर्डिंग आप वर्ब लिखो, ठीक है। नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लिख दो, प्लूरल है तो प्लूरल लिख दो। अच्छा, इन्फिनिटिव के केस में कोई कंफ्यूजन होता नहीं है, व्हेन वी यूज इन्फिनिटिव एट द सेंटेंस ऑफ द सेंटेंस दे आर द सब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट ही होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप वर्ब सिंगुलर यूज करें हमेशा, ठीक है। चलिए, दैट वॉज द एंड ऑफ द स्लाइड, ठीक है। ये आज का हमारा लेक्चर है, ये कंप्लीट हुआ। तो ये जो हमने थ्री लेक्चर सब्जेक्ट और एग्रीमेंट पे डिस्कस किए हैं, ये हमारे सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के जो बेसिक यूजेस हैं उनको लेकर ये सीरीज थी, ठीक है। और सब्जेक्ट एग्रीमेंट के जो एडवांस्ड यूजेस हैं, वी शैल डिस्कस दोज इन सिलेबस असेक फाउंडेशन, जो हमारा बैच है नया जो बन रहा है उसके सिलेबस में डिस्कस होंगे, ठीक है। असेक फाउंडेशन ऐप के बारे में मैंने काफी ज्यादा आपको डिटेल में एक वीडियो भी आपके साथ शेयर कर रखा है यूट्यूब पे, आप वहां से भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ये दो व्हाट्सएप नंबर्स हैं, इनके इन पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी, ये नंबर थोड़ा सा गलत हो गया, मैं इसको सही कर देता हूँ, एक मिनट, 9891991959, ठीक है। इस पर करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर वो जो वीडियो हमने यूट्यूब पे शेयर किया है असेक फाउंडेशन नाम से टाइटल है उसका, उसमें काफी डिटेल में समझा रखा है, उसको देख सकते हैं, ठीक है। सो कीप एंजॉइंग लर्निंग इंग्लिश, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय।